गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर हाउ आर यू? आई एम फाइन, हाउ आर यू? सर फाइन। हाँ हाय मैम। Okay, beta. So the topic that we are doing is linear equations. I think the last few questions of the chapter are left. Am I right? So you are about to complete it in online classes? Yes. What about offline classes? I will go to school. Arey wah, Utkarsh. Yes, sir. Arey yaar, to mera kya hoga? Main to bahut miss karunga fir. हैं सर? हाँ अच्छा, नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ मैं, चले जाओ बेटा, अच्छी बात है। ऑफलाइन क्लासेस आर ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन क्लासेस। ओके चलिए, सो लीनियर इक्वेशंस द सेकंड एक्सरसाइज वी आर डूइंग। ठीक है, एक्सरसाइज 7B, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, लेट मी ओपन द बुक। या वी हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 33 और 32 से करना एक्सरसाइज 7B, क्वेश्चन नंबर 32। सो दिस इज अ मैन ट्रेवल्ड 3/5 ऑफ हिज जर्नी बाय रेल, 1/4 बाय अ टैक्सी, 1/8 बाय अ बस एंड द रिमेनिंग 2 किलोमीटर ऑन फुट। व्हाट इज द लेंथ ऑफ हिज टोटल जर्नी। बड़ा एडवेंचरस आदमी है, ट्रेन में भी ट्रेवल कर लिया, टैक्सी में भी कर लिया, बस में भी कर लिया, पैदल भी चल लिया, तब जाकर कहीं एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा है, पूरा मजा लिया इसने। चलिए, सो लेट द टोटल जर्नी बी एक्स। ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी बी एक्स, लेट द लेंथ ऑफ टोटल जर्नी बी एक्स। ठीक है, अब यहां से देखना, रेल से कितना ट्रेवल करा उसने, रेल से 3/5 ऑफ द जर्नी, यानी कि 3/5 ऑफ टोटल जर्नी, यानी कि 3/5 ऑफ एक्स, ये रेल से ट्रेवल करा, एम आई राइट और नॉट? टैक्सी से कितना ट्रेवल करा बंदे ने, 1/4 ऑफ दैट जर्नी, यानी कि 1/4 ऑफ एक्स। ठीक है, बस से कितना ट्रेवल करा, 1/8 बस से ट्रेवल करा है, 1/8। बस से ट्रेवल करा
1/8 of total journey and 1/8 of it. And finally, on foot. 2 kilometer. Foot पे travel करा 2 kilometer. Foot का आपको given directly दिया हुआ है 2 kilometers. अब ये पूरी जर्नी जो उसने करी, ये अगर हम ऐड कर देते हैं, रेल वाली भी ऐड कर दो, तब जाके तो पहुंचा है वो. रेल वाली भी ऐड कर दो, ट्रेन टैक्सी वाली भी ऐड कर लो, ठीक है, बस वाली भी ऐड कर लो भाई, प्लस फुट वाली भी ऐड कर ली, सारी ऐड कर ली तो टोटल जर्नी हो जाएगी. टोटल जर्नी कितनी है? एक्स है. गॉट इट और नॉट? हैव यू ऑल अंडरस्टूड द इक्वेशन? यस सर. स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन एवरीवन. ओके, टेल द आंसर. You all will give the answer. Give your answer in the chat box. I want to see whether you all are able to solve the equations or not. करिए. Equation का logic समझने में कोई problem तो नहीं है बेटा किसी को? No sir, no problem. Okay. Start solving then. भाई ओके सॉल्व कर लिया? यस सर. आयुषी, उत्कर्ष सर, बाय मिस्टेक आई हैव सेंड द रॉन्ग आंसर, आई एम जस्ट सेंडिंग द करेक्ट वन. जरा हमेशा मैंने देखा है मोस्टली जब भी आंसर देती है तो एक नंबर ऊंचे ऊपर नीचे कर देती है. यस सर, वो टाइपिंग एरर हो जाता है. ओके सो मैं सॉल्व कर देता हूँ. ओके, दी एलसीएम ऑफ दीज थ्री टर्म्स, चलो मत करो अभी, टू इक्वल्स इन तीनों टर्म्स को आर एच एस में फेंक दो. एक्स माइनस 3x/5 माइनस 1x लिखो या x लिखो एक ही बात, x/4 माइनस x/8, ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर है 1. So 2 equals to 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 2 equals to
5-4-8 राइटिंग और खराब आ रहा है, वैसे ही खराब है और खराब है। 5-4-8 का एलसीएम हो गया बेटा। अरे 40x - 8 × 324x - 10x - 5x, तो 2 = 40x। नेगेटिव टर्म्स को ऐड कर लो, 24 - 24 - 10 - 34 - 34 - 5 - 39x होल अपॉन 40। So 2 = 40x - 39x बचा x, x अपॉन 40, 40 तक जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। So 80 किलोमीटर इज द टोटल जर्नी आंसर। फाइन, वेरी गुड। सम ऑफ यू हैव सेंड द आंसर इन द चैट बॉक्स, करेक्ट आंसर। Okay, let's do the next one. ये कह रहे हैं, a laborer is engaged. कोई problem हो रही है मुझे याद आ रहा है। हाँ, a laborer is engaged for 20 days on the condition that he will receive rupees 120. For each day he works, अच्छा, and will be fined rupees 10 for each day he is absent. If he if he receives rupees 1880 in all, for how many days did he remain absent? एक लेबरर को 20 डेज के लिए एंगेज किया गया, ठीक है, मतलब उससे 20 डेज की बात की गई, भाई तुम 20 डेज काम करना है, ठीक है। लेबरर से फिर कंडीशन ये रखी गई कि जितने दिन काम करोगे पर डे के 120 रुपीस लेते जाओगे, और अगर एब्सेंट हो गए तो 10 रुपए तुम्हारे कट जाएंगे, फाइन लग जाएगा 10 रुपए का। 120 तो मिलेंगे नहीं, उल्टा 10 रुपए और कट जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, तो ये वही है एक तरीके से जो आपने करा है ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, इनफैक्ट इस क्लास में भी शायद किया होगा, वो वाले जो क्वेश्चन थे जिसमें नेगेटिव मार्किंग, एक बच्चा कोई टेस्ट है, टेस्ट में सही आंसर देने के 5 मार्क्स, रॉन्ग आंसर देने का -1, याद है आपको, वैसा ही कुछ है। सो Let's start then. Question number 33. 20 days ke liye engage kiya gaya. Let the laborer was present for X days. Hame nikalna kya hai? How many days he was absent? Chalo to absent wale maan lete hain, X days he was absent. So out of 20 days, 20 mein se total 20 days ke liye usse engage kiya gaya tha. Ab hum maan lete hain 20 mein se X days wo absent tha. Okay. Let the number of days that laborer was absent be X. So number of days he was present कितने हो गए? 20 में से x डेज वो एब्सेंट था तो कितने डेज प्रेजेंट था? नहीं पता। 20 डेज में से अगर आप 3 दिन एब्सेंट है तो कितने दिन प्रेजेंट रहे होंगे? हाँ, तो कैसे निकालेंगे? 20 माइनस एक्स, एक्स डेज एब्सेंट थे यानी कि कितने डेज प्रेजेंट थे? 20 माइनस एक्स डेज प्रेजेंट थे, ठीक है। अब जितने दिन वो प्रेजेंट था उसके उसे 120 रुपीस मिल रहे हैं, तो कितने रुपीस उसको टोटल मैंने 120 × 20 - x। अगर आप 2 दिन प्रेजेंट होंगे तो कितने मिलेंगे? 2 × 120 यानी कि 240 रुपीस।
थ्री ड्रेस प्रेजेंट होंगे तो 3 × 120, जितने ड्रेस प्रेजेंट होते जाओगे उतने 120 ऐड होते जाएंगे. तो हाउ कैन वी फाइंड, वी कैन मल्टीप्लाई 120 बाय 20 - 6, इतने पैसे लेबरर को मिले. आर यू गेटिंग माय पॉइंट फॉर बीइंग प्रेजेंट? ठीक है. Yes, sir. लेकिन बेचारा कुछ डेज एब्सेंट भी रहा था. कितने डेज एब्सेंट रहा? एक्स डेज एब्सेंट भी रहा. और हर दिन के कितने रुपए उसके माइनस हो रहे हैं? एब्सेंट होने के 10 रुपीज. सो 10 × x, बिकॉज 10x डेज वो एब्सेंट था, तो कितने रुपए उसके कट गए? 10 × x, यानी कि -10x हो जाएगा ये. तो ये करने के बाद द फाइनली हाउ मच अमाउंट ही गॉट? ही गॉट 1880. नाउ टेल मी द इक्वेशन इज क्लियर और नॉट? यस सर, क्लियर. लेट्स मल्टीप्लाई. Sir, when you are coming for offline? Don't know, beta. Don't know. कुछ भी हो सकता है. 120 × 20. 2400. 120 × -x -120x. -10x equals to 1880. So 2400. -130x is equal to 1880. 2400 -1880 is equals to 130x. ये 130x LHS में जाकर के पॉजिटिव हो गया. 1880 LHS में आके नेगेटिव हो गया. So when you subtract, would you get 520 equals to 130x. 520 divided by 130 is equal to x. 52 को 13 से divide करते हैं तो 4 आता. So how many days he was absent? He was absent for 4 days. 4 दिन वो बच्चा absent था. बच्चा नहीं मतलब laborer. The laborer was absent for 4 days. Okay. Yes, sir. Any problem in the question? No, sir, no problem. हमने x क्या assume किया था कि how many days he was absent, यही हमने x माना था. वही x निकालना था हमको कि कितने days वो absent था. मिल गया हमको x equal to 4 days. Okay. Lengthy था थोड़ा question, नहीं था lengthy. वैसे ही इतना छोटा और छोटा कर दिया. So that's fine. ले लो भाई, नोट कर लो. कर लिया बेटा नोट्स? सर, इट्स नॉट विजिबल. अच्छा, सॉरी सॉरी. ये लो, नाउ इट्स फाइन. यस सर, दैट्स परफेक्ट. ओके, let's do the next one. 34th. Ready, all of you? Yes, sir, ready. Hari Babu left 1/3 of his property to his son, 1/4 to his daughter, and the remainder to his wife. If his wife's share is 18,000 rupees, what was the worth of the property? Very similar to question number 32. Question ko poochne ka tarika change hai bas. Concept pura same hai question ka. Same as question 32.
क्वेश्चन 34, हरी बाबू की इनकम मान लीजिए जो भी उनकी प्रॉपर्टी थी, सॉरी लेट द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ हरी बाबू बी रुपीज एक्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। ओके इतना लिख लो बस, लेट द टोटल प्रॉपर्टी, पैसा, टोटल पैसा हरी बाबू के पास, लेट द टोटल प्रॉपर्टी बी रुपीज एक्स। ओके नाउ यहाँ कह रहे हैं हरी बाबू ने अपनी जो टोटल प्रॉपर्टी थी उसका 1/3 किसको दिया, अपने बेटे को दिया, तो सन का शेयर आइए निकालते हैं कितना, 1/3 ऑफ द टोटल प्रॉपर्टी यानी कि 1/3 ऑफ एक्स। फाइन, ये सन को दिया, बेटे को 1/4 टू हिज डॉटर, डॉटर को कितना दिया, डॉटर को कम दिया, कम दिया या ज्यादा दिया डॉटर को, 1/4 ऑफ एक्स, ये कम है या ज्यादा है, 1/4 छोटा है या 1/3, 1/4 छोटा हुआ या 1/4 ज्यादा हुआ, 1/4 ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ। अच्छा सर, व्हाट काइंड ऑफ नेम इज बाबू राम, व्हाट काइंड, हरी बाबू, हरी बाबू, हरी बाबू, यस सर, पुराने जमाने के आदमी है, ऐसे नाम होते थे पहले। मैं भी सोच रहा हूँ मेरा एक और बेटा होगा छोटा, उसका भी नाम ऐसे कुछ रख दूँ, हरी बाबू टाइप, बड़ा हो जाएगा मैं जिंदा नहीं छोड़ेगा मुझे ये नाम रखने के लिए। चलो बेटा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ओके सो 1/3 बेटा बड़ा होता है, 1/3 बड़ा हो, ये फ्रैक्शन चल रहा है, ठीक है। 1/3 का मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 12,000 रुपीज है, मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो 1/3 ऑफ 12,000 अगर आप करेंगे तो कितने आएंगे, 4,000 आएंगे, मल्टीप्लाई कर लो, 3 से डिवाइड करो 12,000 को, 4,000 आ गया। 1/4 करेंगे अगर 12,000 का तो ये छोटा आएगा, कितना आएगा, 3,000 रुपीज। तो कौन से ज्यादा हुए, 4,000 ज्यादा हुए या 3,000 ज्यादा हुए। ओके तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, सन को ज्यादा मिला। ओके एंड द रिमाइंडर टू हिज वाइफ, If the wife's share is 18,000, wife को कितने दिए हरी बाबू ने, हरी बाबू दुनिया छोड़ के चले गए मुझे लग रहा है, सारा पैसा अपना बांट गए, बीवी बच्चों को, खुद के पास कुछ भी नहीं छोड़ा। वाइफ को दिए रुपीज 18,000 एंड नाउ यू हैव टू फाइंड द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ हरी बाबू। So if we add the total share of son, daughter and wife, add कर लेते हैं 1/3 of x plus 1/4 of x plus 18,000, तो हमें हरी बाबू की टोटल प्रॉपर्टी मिल जाएगी। टोटल प्रॉपर्टी कितनी है हरी बाबू की, x। The equation is good or not? Same as question 20, sorry, 32? Yes, same. 32nd question की है, तरह है बिल्कुल। Let's solve it. 18,000 equals to x minus x upon 3, 1/3 of x का मतलब हो गया x by 3, minus x by 4, 1/4 of x यानी x by 4. Denominator यहाँ पर 1 लगा लो, LCM आ गया 12, 12x minus 4x minus 3x, 18,000. तो 18,000 इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज 8, 8 माइनस 3 इज 5, 5x अपॉन 12, 18,000 इंटू 12 अपॉन 5, 5 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 12 न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 से कट कर लो इसको बेटा, 3 6 0 0 इंटू 12, 3600 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो कितना आया, 12 6 72, 7 36 + 7 43, 43,200 इज द टोटल प्रॉपर्टी ऑफ हरी बाबू। क्लियर,
बेटा प्लीज एक बार चेक कर लो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, मेरे मैथ्स ही वीक है वैसे तो। फोर्थ पीरियड स्टार्ट्स एट 10 AM, दैट मींस योर क्लास विल गेट ओवर एट 10। यस सर। ओके सर प्लीज स्क्रॉल अप। थोड़ा छोटा करने में एक्सपर्ट हूँ। सही है, लेंदी तो नहीं है कुछ? नो सर, इट्स फाइन। अरे नहीं नहीं बेटा, ये इट्स नॉट फाइन। चलो एक ही पेज में आ गया। हैप्पी? यस सर, हैप्पी। ओके प्लीज टेल मी व्हेन यू ऑल आर रेडी। Okay, let us start the next one. Question 35, which is the last question of the chapter. Okay, we have done two chapters are completed in the second term. Yes, sir. Matlab almost completed. Last question hai. First chapter was your simple interest and the second one is this linear equations. चलो दोनों chapter थोड़े बड़े-बड़े थे, इसी बात में हो गए। इसके बाद भी कुछ chapters हैं बड़े-बड़े। Mensuration is a very very big chapter, very very big chapter, extremely big, मतलब बहुत ही बड़ा है। खुद अपने आप में एक term उसके लिए अलग बन जाना चाहिए mensuration के लिए। The syllabus should be divided in 3 terms: first term, second term, and third term only for mensuration. चलिए question 35. How much pure alcohol must be added to 400 ml of 15% solution to make the strength 32%? So there is a 400 ml alcohol, which is not pure alcohol. 400 ml में 15% alcohol है, बाकी का 85% कुछ और होगा, water वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है? Alcohol बेटा खाली वो ही वाली alcohol नहीं होती है, आप लोगों के दिमाग में जो आ रही है, और भी चीजों में use होती है alcohol, medicines में भी use होती है alcohol, तो ऐसे मत समझना कि ये maths की book में क्या उल्टी सीधी बात लिखी है। Alcohol का खाली एक ही काम नहीं होता है, वो जो आप सोच रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी बात, है ना? और भी पर्पस में यूज की जाती है। यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट इट बाय व्हाइल ड्रंक एंड ड्राइव इन जीरो पीरियड। हाँ, सो अल्कोहल इज अ बैड थिंग इफ वी यूज इट इन अ रॉन्ग वे, बट
sometimes it is also used for good purpose, like in medicines and other things also. Okay, सैनिटाइजर में भी आपने सुना होगा अल्कोहल थोड़ी मिक्स होती है. ओके लेकिन मतलब हाँ ओके सो हाउ मच प्योर अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 400 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन. सो देयर इज 400 ml सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल जिसमें 15% अल्कोहल मिक्स है एंड बाकी का 85% कुछ और होगा. अब ये कह रहे हैं प्योर अल्कोहल लिया, ये प्योर अल्कोहल का मतलब क्या हुआ जिसमें 100% अल्कोहल होगी वो इसमें हमें ऐड करनी है 400 ml वाले सॉल्यूशन में. ऐड करेंगे तो क्या होगा अल्कोहल की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी यानी कि अल्कोहल की जो परसेंटेज है वो 15% से आगे बढ़ जाएगी. अगर हम इसमें प्योर अल्कोहल ऐड कर देंगे तो 15% अल्कोहल की जगह थोड़ा आगे बढ़ जाएगी. हमें कितनी बच पहुंचानी है, हमें पहुंचानी है 32% अल्कोहल करनी है उसमें. तो क्या करना पड़ेगा, कितनी प्योर अल्कोहल इसमें ऐड करनी पड़ेगी, दिस इज द क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी द क्वेश्चन इज क्लियर और नॉट. कैसे करना है वो मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है. ओके चलो भाई सो लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट. सो लेट एक्स एम एल ऑफ एक्स ml, ml मतलब यूनिट हो गई मिलीलीटर्स. लेट x ml ऑफ प्योर अल्कोहल बी एडेड. कितनी ऐड करी हमने x ml. ठीक है तो अभी हमारे पास कितनी थी 15% ऑफ 400 इतनी अल्कोहल थी. इसमें XML और ऐड कर दी हमने. ठीक है इसमें XML और ऐड कर दी तो अब हमारे पास जो सॉल्यूशन बन गया, जो सॉल्यूशन अब हमारे पास आ गया तो उसमें कितनी अल्कोहल है, उसमें 32% है ऑफ व्हाट. 32% ऑफ व्हाट, 32% ऑफ टोटल अल्कोहल. टोटल हमारे पास क्वांटिटी कितनी हो गई अब सॉल्यूशन की, 400 ml पहले से थी, XML अब ऐड कर दिए तो टोटल सॉल्यूशन हमारे पास कितना आया 400 प्लस x. 32% ऑफ 400 प्लस x. दोबारा सुनिए इक्वेशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा. ये 15% ऑफ 400 पहले से थी. ठीक है 15% ऑफ 400 पहले से थी. बेटा आई होप यू आर नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी नॉइस फ्रॉम माय साइड. नो सर इट्स ऑल फाइन. फाइन, कोई नॉइस तो नहीं आ रहा है बेटा? नो सर. ओके वो एक्चुअली मेरा बच्चा रो रहा था थोड़ी दूर पे, अब इस रूम में तो नहीं है दूसरे रूम में बट रो रहा है. चलिए कोई नहीं. 15% ऑफ 400 ये फर्स्ट पहले से थी, इसमें XML ऐड कर दी. ठीक है एंड अब हमारे पास जो अल्कोहल आ गई, हमें ये बोला गया कि 32% सॉल्यूशन बनाना है तो 32% ऑफ 400 प्लस x. ये चीज इंपॉर्टेंट है 400 प्लस x क्यों लिखा है यहाँ पर मैंने, क्योंकि अब टोटल हमारे पास जो लिक्विड था, लिक्विड ही तो है एक तरीके से, जो लिक्विड सॉल्यूशन हमारे पास था वो कितना हो गया 400 पहले से था, x और ऐड कर दिया तो टोटल कितना हो गया 400 प्लस x. ये बन गया 32% सॉल्यूशन. इज द इक्वेशन क्लियर और नॉट? यस सर नाइसली. Okay, so let's solve this. 15 upon 100 into 400 plus x is equal to 32 upon 100 into 400 plus x. Okay, so ye 100 of 400 ke do zeros kat gaye, ye ho gaya 60 plus x is equal to 32 into 400 plus x. अपॉन 100, ये अपॉन 100 जो है ये LHS में ले जाते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 100 इंटू 60 प्लस x इज इक्वल टू 32 इंटू 400 प्लस x. ठीक है तो 6000 प्लस 100x इज इक्वल टू 4 इंटू 32 हो गए 12800 प्लस 32x. बस इसको सिंपलीफाई करना, 100 माइनस 32 हो जाएंगे बेटा 68x. RHS में
12800 माइनस 6000 बन जाएंगे 6800, x इक्वल्स टू 100 ml आंसर आ गया। कितनी अल्कोहल हमने ऐड करी, प्योर अल्कोहल 100 ml ऐड करी, बस आंसर फाइन। टेक अ स्क्रीनशॉट, द मीटिंग इज अबाउट टू एंड। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। सर टेकन। वेरी गुड, जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट ले लो सारे बच्चे। द मीटिंग इज अबाउट टू एंड।